नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। नवाब मलिक वानखेड़े पर लगातार नए आरोप लगा रहे हैं। इस बार नवाब ने वानखेड़े की साली को लेकर ऐसी बेतुकी बयानबाजी की कि मुंबई की सियासत में कोहराम मच गया और वानखेड़े का परिवार नवाब पर फूट पड़ा। आखिर इस बार नवाब क्यों बौखलाए, देखिए इस रिपोर्ट में। आर्यन के फंसने के बाद से नवाब मलिक इतने बौखलाए हुए हैं कि रोज वानखेड़े को घेरने के लिए नए स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं, रातों को सोचते हैं और सुबह नई कहानी गढ़ देते हैं। एक बार फिर नवाब ने वानखेड़े के परिवार को निशाना बनाया और कोई नहीं मिला तो वानखेड़े की साली पर ही खेल खेल दिया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडेकर की बहन हर्षदा दीनानाथ रेडेकर पर ड्रग्स के रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया। नवाब मलिक ने यह आरोप लगाते हुए पहले ट्वीट किया और उसके बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि समीर दाऊद वानखेड़े आपकी साली हर्षदा दीनानाथ रेडेकर ड्रग्स के व्यापार में है क्या? उनका केस पुणे के कोर्ट में लंबित होने की वजह से आप इसका जवाब दें, ये लीजिए सबूत। यह लिखकर नवाब मलिक ने ट्विटर पर सबूत के तौर पर कुछ कागजात शेयर किए। नवाब की बदजुबानी अब उन्हें ही ले डूबी। अभी तक नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर ड्रग्स माफिया के साथ मिले होने का आरोप लगा रहे थे। जब उनका ये सिक्का नहीं चल पाया तो उनकी साली को मोहरा बना लिया। वहीं नवाब मलिक की हैकड़ी निकालते हुए समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने मुंबई उच्च न्यायालय में केस किया। उन्होंने मलिक के खिलाफ 1,25,00,000 का मानहानि दावा ठोक दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी नवाब मलिक से जवाब मांगा है। अगर नवाब मलिक सटीक जवाब नहीं दे पाते तो आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें पड़ना लाजमी है। वैसे इस केस के बाद नवाब मलिक ने वानखेड़े और उनके परिवार पर हमले और बढ़ा दिए हैं, जो उनकी बौखलाहट को साफ जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वानखेड़े ने नवाब के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। वानखेड़े ने यह भी साफ कर दिया है कि नवाब मलिक उनके परिवार को बदनाम कर रहे हैं। वानखेड़े ने प्रेस रिलीज में उनकी बहन का नाम लेने पर भी आपत्ति जताई, यानी कि अब वानखेड़े नवाब को सबक सिखाने के मूड में आ गए हैं। और सिखाए भी क्यों ना, पानी भी तो सर से ऊपर आ चुका है। अब नवाब देखें कि वानखेड़े आगे क्या करने वाले हैं। नवाब मलिक ने अब वानखेड़े की साली के ड्रग्स पैडलर से रिश्ते होने का आरोप लगाया, जिससे वानखेड़े का परिवार तिलमिला उठा और वानखेड़े ने नवाब के आरोपों को खारिज करते हुए एक्शन लेने की बात कही। अब वानखेड़े नवाब मलिक के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और सबक सिखाएंगे, यानी कि जल्द ही पूरे खेल का पर्दाफाश होगा और नवाब मलिक की बोलती बंद हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।